पहाड़ से है, कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ से, और वो आज के हमारे मेहमान। मैं उनका स्वागत करता हूँ, सोनाल डबराल भाई साहब का। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे आपने बुलाया, और कितना खूबसूरत नाम है बीइंग उत्तराखंडी, तो थैंक यू वेरी मच सर। ये बीइंग उत्तराखंडी आप जैसे व्यक्तित्व के आने से बहुत बड़ा हो जाता है, और ये हमारा ये एक परिवार है, बीइंग उत्तराखंडी एक परिवार है। मैं इसलिए इसको एक परिवार कहता हूँ क्योंकि यहाँ हर दूसरा, जब जहाँ भी हम रहते हैं दूर दूर तक, जब कोई कहता है कि भैया कहाँ से हैं, पहाड़ से हैं, तो बस इतना ही काफ़ी है कि पहाड़ से हैं मतलब हमारे अपने हैं। और जब लोग आज आपको देख रहे हैं, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता इंडिया में आपको, और कौन नहीं जानता दुनिया भर में आपको। ऐसे में मैं हम इस बात को अगर आगे बढ़ाएं, तो पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा यही पूछना चाहूंगा कि अपने थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में, एजुकेशन के बारे में, थोड़ा फैमिली के बारे में थोड़ा सा सब लोगों को बताइए, ताकि पहाड़ आपको और अच्छे से जान सके। तो ये हाँ, तो मेरी पैदाइश हुई, मेरे पिताजी जो थे भास्कर डबराल, वो एक यूपी गवर्नमेंट सर्विस में थे, और तो मेरी जो पैदाइश हुई वो हुई इटावा में, और उनका ट्रांसफरेबल जॉब था जैसे होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी के जगह, यू नो, छोटी छोटी जगहों में, इलाहाबाद, झांसी, रुड़की, रामपुर, हसनपुर, यू नो, इन सब जगहों में जो है, हम भाइयों का सबका, हम लोग छह भाई हैं, और छह भाई थे, मतलब सबसे बड़े passed away, मेरे eldest sister also, she is also passed away, तो छह भाई थे और एक बड़ी बहन थी, तो बड़ा बड़ा परिवार था। और माता जी थी हमारी त्रिवेणी डबराल, जिनको हम सब अम्मा कहते थे, तो उनके बारे में और बाद में बताऊंगा, पर जो बचपन गुजरा वो मतलब ये छोटी छोटी जगहों से होते थे। तो जब हम हसनपुर में थे, वहाँ पे मेरे पिताजी का बहुत ही छोटी उम्र में अचानक देहावसान हो गया, और मतलब तो उसके बाद हम उसके बाद वहां से हम नानी के घर आ गए, तो नानी का घर था आगरा में जी, और मामा थे वहां पे, मौसी थी, सबसे बड़े मामा हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर अंथवाल, और उनके थे दो बेटे एक बेटी, तो ये बड़ा सा मतलब घर था, एक घर का नाम था शेरवाली कोठी, तो वहां पे बचपन गुजरा। तो वहां पे मतलब आप ये सोचिए कि मतलब मैं तब करीब 6 साल का था, और वहां पे जो है हंसी खुशी खेल कूद, वो आंगन में क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, मामा बड़े भाई, छोटे भाई, कजन्स, यू नो, सब मौसी, मामी, मामा, सब मतलब इतने काफी बड़ा परिवार था, और नानी और अम्मा तो थी, वो ऑलमोस्ट लाइक द हेड ऑफ द फैमिली इन अ वे। तो उस माहौल में जो है काफी हंसी खुशी के माहौल में, और तरह तरह के एक्सपीरियंस को सोखते हुए जो है बचपन गुजरा। तो वहां पे फिर क्रिएटिविटी में मेरा रुझान शुरू से ही हो गया था, वो इसीलिए भी हुआ कि मतलब घर में ना कोई हमारे घर में हर जनरेशन में आर्ट में कोई ना कोई रहा है, तो दादाजी थे, दादाजी के छोटे भाई थे, वो आर्ट किया कर पेंटिंग किया करते थे, फिर हमारे चाचा थे, वो पेंटिंग किया करते थे, तो वो शायद वो सब जीन्स में घुसता हुआ ये ड्राइंग पेंटिंग जो है आ गया। तो मैं काफ़ी जो है मतलब ड्राइंग और पेंटिंग के लिए पूरी तरह मतलब मैं इट वॉज टोटली पैशनेट अबाउट इट, तो मैं जब भी थोड़ा सा भी वक्त मिलता था मैं या तो ड्राइंग करता रहता था या पेंटिंग करता रहता था, या फैब्रिक पेंटिंग से लेकर ऑयल पेंटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ मतलब थिएटर करना, जो थोड़ा बहुत जो होता है स्कूल में, एक्टिंग, म्यूजिक के प्रति भी इंटरेस्ट था, तो बेसिकली क्रिएटिव चीजों के प्रति जो है बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट था शुरू से। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ जी, आज जो उत्तराखंड आपको देख रहा है, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो व्यक्तित्व हमारे सामने दिख रहे हैं, ये इतने साधारण से जो दिखने वाले हैं, ये इतने महान व्यक्तित्व हैं। आप अपना एक टीवी ऑन करिए, जिसको जो भी शौक होगा,
आप टीवी ऑन करिए, देखिए आज से आज हो सकता है आईपीएल देखें या कुछ भी जो आप चैनल देखते हैं, कोई भी चैनल आप देखते हैं और उसमें जो भी एड आता है एडवर्टीजमेंट, चाहे वो हम बात करें कि आप वर्जिन मोबाइल की बात करें, वॉल्सवैगन कार की बात करें या कोका कोला की बात करें, और सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो है डेरी मिल्क कैडबरी का अगर एड देखें तो वो जो सारे एड हैं वो बनाने वाले सोनाल भाई हैं। तो ये सोचें कि आज फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है क्रिएटिविटी इंडस्ट्री, और आपने उस क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में आप उस समय गए जब मुझे लगता है कि उस समय लोग जानते भी नहीं थे, आज भी 90% लोग नहीं जानते कि इंडस्ट्री है क्या। तो आप तब क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में गए, तब और अब में कितना फर्क लगता है आपको? तो तब तो मतलब एक तो आगरा से एनआईटी में जाना और पूरी फैमिली का भी इतना तगड़ा सपोर्ट था कि आगरा से, मतलब उस जमाने में तो डिजाइन के बारे में किसी को ए भी नहीं पता, ए बी सी डी भी नहीं पता था बिल्कुल, और एडवर्टाइजिंग के बारे में तो मुझे खुद खबर नहीं थी कि एडवर्टाइजिंग होती है कुछ या डिजाइन होती है। तो मतलब ये समझ लिए कि आंख बंद करके एनआईडी चले गए और एनआईडी के बाद जो है वहां पे जाके पता चला कि क्या क्या होता है डिजाइन में। उसके बाद एडवर्टाइजिंग में आए और एडवर्टाइजिंग में तब क्योंकि इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, तो अभी क्या है टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा जो है हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। तो टेक्नोलॉजी इवन इन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के प्रति और जल्दी काम होना और सारी जो एडवर्टाइजिंग है वो अभी ब्रांड जो है वो अभी जो बात करते हैं, जो कंज्यूमर से बात करते हैं, वन साइडेड नहीं होता है। पहले क्या होता था कि हमने कैडबरीज डेयरी मिल्क की बढ़िया सी फिल्म बना दी कि लड़की जो है वो क्रिकेट फील्ड में डांस कर रही है, फिल्म आ रही है जी। और वो कुछ खास है हम सभी में, वो हमने बना दी तो वो हम तो मैंने भी उसमें उस एड में मतलब मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान था। तो वो तो पहले क्या होता था, वो बना दिया और टीवी पे चला दिया और लोग बाग फिर खरीदने लगते थे सब सारे प्रोडक्ट्स। तो अभी भी काफी हद तक वो होता है, पर अभी क्या हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या जनरली द फैक्ट कि ये इंटरनेट हमारे हाथ में है, तो कंज्यूमर के पास भी आजकल अभी पावर हो गई है टू रिएक्ट टू द कंपनी, टू रिएक्ट टू द ब्रांड। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर ब्रांड को कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत तगड़ा हो, झूठी एडवर्टाइजिंग ना हो, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो, यू नो। तो इस सब को लेके ये सारे चेंजेस जो है, ये सबसे बड़ा चेंज आया है जो एडवर्टाइजिंग में चेंज आया है। सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से कंज्यूमर के हाथ में भी पावर हो गई है। तो ये आपका कहना, लेकिन आज भी अगर कोई मुझे पूछे तो मुझे आज भी कई सारे ऐसे, और खासकर हमारे इंडिया में तो, क्योंकि हमारे में इमोशंस से बड़ी बातें चलती हैं, आज भी वो कैडबरी का एड मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा याद होगा। मैंने आज आपकी फोटो शेयर की तो सबसे पहले मेरे एक दोस्त था, वो विन मेडिकेयर में आज बहुत बड़ी पोस्ट पर है पूना में, तो उसका फोन आया, अरे मनीष ये तो वही है, क्योंकि हम अपने कॉलेज के टाइम में सबसे ज्यादा बात करते थे और वो आप हैं। मैं उत्तराखंड के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सोनाल डबराल केवल एक नाम नहीं है अपने आप में, ये एक इंस्टीट्यूशन है क्रिएटिविटी के। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ इंस्टीट्यूशन है क्रिएटिविटी के क्योंकि आपने शुरुआत की एनआईडी से, फिर उसके बाद आप एक्टिंग में आए, फौजी सीरियल, कौन कौन ऐसा होगा इंडिया में जिसके मन में, और हमारी उम्र का खासकर, जिसमें वो जिसके मन में वो रचा बसा ना हो। आपने एंकरिंग की, जब पहले पहले रियलिटी शो होने शुरू हुए थे तब आपने एंकरिंग की, और क्रिएटिविटी में तो कोई शानी नहीं है आपका पूरे देश, पूरे विश्व में मैं ये कहूँ। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं अगर नाम गिनवाऊँ, मैं कुछ लोग जो जानते हों, इंडिया की लिंटास इंडिया सबसे बड़ी क्रिएटिविटी कंपनी, मुद्रा ग्रुप्स कौन नहीं जानता है, और दुनिया की सबसे बड़ी एक कंपनी में से ओलिग्वी में आपने काम किया, और साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया क्यों, इस पैन पैसिफिक एशिया में अगर ओलिग्वी को कोई जानते हैं तो वो आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से जानते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा नाम एडवर्टीजमेंट की दुनिया में, इतना बड़ा नाम, संघर्षों में हर संघर्ष को पार करते हुए उस सफलता को पाने वाले हमारे सोनाल डबराल भाई, आज अपने आप को जहां पर पाते हैं उसमें क्या खोया लगता है और क्या पाया लगता है? मतलब एक बात तो है कि जो बचपन गुजरा वो इतनी अच्छी सीखों के साथ गुजरा, मतलब जैसे अम्मा ने, नानी ने, मामाओं ने, जो भाई बड़े भाइयों ने जो इतनी सीख मिली है कि जो ग्रैटिट्यूड रहे जो मिलता है
राइट, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रहे। और आदमी को है जो मतलब किसी भी तरह की बाधाएं आए, यू नो आजकल तो हम सबके समक्ष जो है कितनी बाधाएं हैं, किसी भी तरह की बाधाएं आए, अपने अंदर की रिसोर्सफुल को कभी नहीं भूलें। या तो अगर उस मामले से मैं देखूं कि कहाँ फुलट्टी बाजार आगरा और हसनपुर और रामपुर और वहां से होते हुए अहमदाबाद और अहमदाबाद से होते हुए फिर दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, बम्बई से मलेशिया, सिंगापुर और फिर वापस भारत आना, जो लंबी मेरी यात्रा रही है और इसमें भगवान की दुआ से जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं उसको देख के तो मुझे लगता है कि जो खोया है या जो नहीं मिला, कितनी चीज़ें होती हैं जो नहीं मिलती हैं, कितने रिजेक्शन होते हैं, उनको मैं कभी सामने नहीं आने देता, कभी नहीं सामने आने देता। तो अगर आप ये पूछें कि क्या खोया है और क्या पाया है, मैं तो यही कहूंगा कि बस पाया ही पाया है। और उसके लिए बड़ों का धन्यवाद, उसके लिए भगवान का धन्यवाद, उसके लिए सारे सारे बुजुर्गों का, पूर्वजों का, सबका धन्यवाद। तो ये मेरा मानना है और ये इसको मैं इस बात को मैं दिल से मानता हूँ। तो यही, और ये दिखाता है कि कितने महान व्यक्तित्व हैं सोनाल डबराल भाई। मैं इसलिए कहता हूँ ये बात कि बड़ा मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ जाइए आप, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, और बहुत बड़े बड़े, इन सब के अलावा भी आप एक बड़ा अच्छा सा जो काम करते हैं और जिसके लिए आप जाने जाते हैं, खासकर स्टूडेंट्स अरेना में, अगर टीचिंग अरेना और लर्निंग अरेना की बात करें, वो है आपका स्पीकिंग स्किल्स। मैं देखता हूँ कई सारे जो टेडेक्स टॉक हैं आपके दिए हुए, बहुत ही मोटिवेटिंग है। और आज के जमाने का जो बच्चा है, जो खासकर एंटरप्रेन्योरशिप करता है, वो इन टॉक्स को जरूर सुनता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिविटी के बीच का कनेक्शन क्या है, थोड़ा इस बारे में आप बताइए प्लीज। एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिविटी का कनेक्शन, आई थिंक बहुत बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी किसी के बताए रास्ते पे नहीं चलती है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अपने अंदर की क्रिएटिविटी, अपना ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि जॉब करना भी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द जॉब, मैंने तो 30 साल जॉब किया है, पर जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा होता है वो क्रिएटिविटी के साथ बहुत ही तगड़ा जुड़ा हुआ होता है। जितने भी लोग बाग जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जिनमें की कुछ वो है करने की, अपना कुछ रास्ता बनाने की, क्योंकि बिकॉज ये बनाए हुए रास्ते नहीं है, बिकॉज इसमें फ्रेश थिंकिंग की जरूरत है, उस हिसाब से जो है ये क्रिएटिविटी कमिंग इनटू क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज काइंड ऑफ इन अ वे वेरी वेरी क्लोजली कनेक्टेड। सो ये मेरा मानना है। पर ये पता नहीं मेरा आपके सवाल का मैंने जवाब ठीक से दिया है नहीं, या कुछ मतलब, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने भी आइडियाज, जो आपके आइडियाज हैं, वो इतने क्लोज टू हार्ट लगते हैं और सक्सेस होने का इतना सही रास्ता वो दिखाते हैं। वही है आज का एंटरप्रेन्योरशिप, आज का जमाना जो उसकी तरफ जा रहा है, स्वरोजगार, वो वहीं से निकलता है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी अपने आप में लाना बहुत जरूरी है। तो मैं ये पूछना आपसे चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। अब एक बात और मेरे दिमाग में और आई, जो कि मैं हमेशा अपनी एडवर्टाइजिंग में यूज करता हूँ और जितने भी मेरे जूनियर्स हैं सबको ये बोलता रहता हूँ, विच इज दैट कई चीज़ें जो हैं, खासकर जो स्टोरी टेलिंग है, जो इमोशंस की बात होती है, जहाँ पे इमोशंस की बात होती है, जहाँ पे क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात होती है, उसमें क्या होता है कि हम लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, हम लोगों की सबकी स्टोरी जो है अलग अलग स्टोरी है, राइट। अगर आप देखेंगे अपनी स्टोरी को, अगर आप देखें आप कहाँ बड़े पले बढ़े, आपके इन्फ्लुएंसेस क्या रहे, तो आपकी स्टोरी, आपको पता लगेगा कि आपकी स्टोरी बिल्कुल यूनिक है मेरी स्टोरी से। और इसी तरह हर आदमी की स्टोरी, चाहे वो एक ही जगह रहा हो, चाहे वो 15 जगह घूमा हो, हर आदमी की स्टोरी, हर व्यक्ति की स्टोरी बिल्कुल यूनिक है। तो उस स्टोरी के अंदर से बहुत सारे जो है आइडियाज निकल सकते हैं। तो जो मैं बोलता हूं लोगों को कि क्रिएटिविटी में जब कोई प्रॉब्लम आए, तो पहले अपने इमोशंस को, अपनी मेमोरीज को गूगल करो, इंटरनेट को गूगल मत करो, गूगल योर ओन इमोशंस, गूगल योर ओन मेमोरीज, वहां पे बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। और खासकर क्रिएटिविटी की फील्ड के तो जितने भी लोग हैं, राइटर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स,
इवन एक्टर्स एंड एडवर्टाइजिंग पीपल, यू नो, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी, वी गूगल आर ओन मेमोरीज, यू नो, उसके में बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। ग्रेट, कितनी बड़ी बात आपने कही कि देखिए वी गूगल आवर ओन मेमोरीज बिफोर गूगलिंग एनीथिंग इन गूगल्स। सो मैं ये बातें हैं जो कहीं किसी जगह पर नहीं मिल सकती है, वो मिल सकती है एक इंस्टीट्यूशन से, और वो इंस्टीट्यूशन हमारे सामने है। मैं उस इंस्टीट्यूशन से ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा है कि हमारे साथ संघर्षों में हमारी अपनी हर किसी की एक यूनिक कहानी है, और आपकी यूनिक कहानी सब लोग जानना चाहते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा और पूछना चाहता हूँ कि आगरा में आप पले बढ़े, आगरा के बहुत अच्छे स्कूलों में आपने एजुकेशन ली, सेंट पीटर स्कूल में आप पढ़े, आगरा में कभी ऐसा हुआ कि आगरा की कोई ऐसी चीज, या मैं कहूं कि खुशकी के समोसे बहुत मिस हुए हों? आगरा की बहुत बहुत, हाँ, मुझे मतलब अभी याद आ रहा है कि जब स्कूल में हमारा भी सेंट पीटर्स का भी ग्रुप है, सेंट पीटर्स में पढ़ता था मैं, और वहां पे जो है इंटरवल में हमारे वहां पे एक कैंटीन थी, छोटी सी कैंटीन थी, उसमें एक बन समोसा मिला करता था, बन के अंदर वो समोसा डाल के उसमें चटनी डालता था, तो बहुत जो है हमारे सेंट पीटर्स स्कूल कॉलेज का बहुत फेमस था वो खाना, और मेरे पास कभी पैसे नहीं होते थे कि वो बन समोसा मैं खा सकूं, तो वो टेस्ट जो है वो इतना रह गया मेरे मेरे यू नो दिमाग में कि जब मैं दोबारा गया, जब मैं मतलब जब मैं काम करने लगा था, उसके बाद जब मेरी पहली विजिट हुई आगरा, तो मैंने वो बन समोसा, तो बन समोसा जब मैं पहुंचा स्कूल में, वो बन समोसा मैंने कहा कि आज तो खाना ही है, और तब तक मैंने फौजी कर लिया था, तो जब मैं पहुंचा तो सारे स्कूल के बच्चे बच्चे सब देख रहे थे, उस समय फौजी चल रहा था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले टीचर्स ने मेरे पूछा कि यार क्या क्या सुनाल, क्या खाओगे, क्या 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 लाए, चाय, व्हाटएवर, लेट्स हैव। मैंने कहा वो बन समोसा खाना बहुत जरूरी है, तो वो मैंने बन समोसा खाया। तो आगरा की तो वैसे चाट बहुत ही फेमस है, और खाने के साथ साथ तो हम सबकी यादें अलग अलग जुड़ी रहती हैं। तो अभी क्या है कि ये लॉकडाउन के दौरान मैंने थोड़ा बहुत कुकिंग की भी कोशिश की, और देन आई मेड श्योर कि उस कुकिंग के एक्सपेरिमेंट्स में वो आगरा के जो आगरा की जो आलू की टिक्की होती थी, भल्ला जिसे बोलते थे, भल्ला जी, वो सेठ गली के, वो बनाने की कोशिश मैं जरूर करूं। वैसे मैं फेल तो हुआ, पर जो स्वाद था, जो मैंने आलू की टिक्की बनाई थी, उसका थोड़ा बहुत नजदीक था शायद आगरा की सेठ गली से। तो एक क्वेश्चन मैं आगरा से और लूंगा कि आगरा में जब आप रहे, तो आज अगर मैं एक नॉर्मल व्यक्ति, व्यक्तित्व तो नहीं कह रहा, मैं नॉर्मल व्यक्ति सोनाल डबराज से बात करूं, तो एक यूथ के अगर उससे लूं, तो आपको सदर की शाम मिस होती है या राजा मंडी और सेठ गली के वो चाट पकौड़े? अच्छा, उस हिसाब से तो क्या हुआ कि वो जिस तरह से मैं वहां पे पढ़ाई वढ़ाई इन चीजों में बहुत ज्यादा मतलब लगन थी, तो मतलब मस्ती तो करते थे, पर वो सदर तो बहुत दूर पड़ता था, शेरवाली कोठी से, फुलट्टी बाजार से, तो वहां तक तो जाने का वैसे भी जज्बा नहीं था, यू नो, कैसे जाएं, साइकिल के साथ से जाना बहुत डिफिकल्ट है, और रिक्शे में जाके तो पैसे लगते हैं, रिक्शे में तो पैसे बचाने की बहुत जरूरत थी, तो सदर वदर की ज्यादा तफरी नहीं करी, पर थोड़ी बहुत सेंट पीटर्स में करते थे, और थोड़ी बहुत राजा मंडी में जरूर करते थे दोस्तों के साथ, पर तो वो, हाँ, वो कभी कभी वो दिन याद आते हैं, अच्छे दिन से। यही उत्तराखंड को समझने और आपके जीवन से सीखने का है कि देखिए वो लोग, वो व्यक्तित्व जो जिन्होंने इतने संघर्ष किए हों, कह रहे हैं कि भैया उतनी दूर नहीं जाते थे क्योंकि उतनी दूर तक कौन जाए, और आज वो व्यक्तित्व बड़ी बड़ी कंपनियां उनके आइडियाज पर खड़े हैं। जब आइडियाज वो लोगों को देते हैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी होती है। ओलिग्वी का अगर कोई नाम सुने, तो मैं यही शुरुआत में भी कह रहा था और बीच में भी कहा कि वो कंपनी के आइडियाज जो आपने दिए थे वो आज तक चलते हैं, दुनिया उन पर चलती है। कोई भी बड़ी कंपनी का जिसमें भी हम बात करें, एडवर्टीजमेंट कंपनी, क्रिएटिविटी की बात करें, तो आपके आइडियाज वहां पर चलते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि ये जो सारी चीजें हुई इस सब में, माँ का बड़ा योगदान रहा जीवन में। माँ ने हमेशा आप लोगों को, सारे भाई बहनों को बड़े अच्छे से एक जो होता है कि अपने संघर्षों के साथ साथ इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि सब लोग अच्छी जगह पे गए, तो माँ की ऐसी क्या याद है? तो मैं थोड़ा इमोशनल एरिया है ये, लेकिन फिर भी मैं जरूर पूछूं, माँ के हाथ का बना वो खाना
और माँ की कुछ यादें अगर आप शेयर कर पाए तो उनके संघर्ष को जरूर दुनिया को पता चलना चाहिए। तो माँ तो मतलब जब मुझे याद है उस समय मैं हसनपुर में शायद वो संडे था उस दिन जिस मेरे सडनली मेरे पिताजी की डेथ हुई और मैं उस समय आंगन में जो है वो अभी तक मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बचपन में खेला करते थे ना ऐसे एक लोहे के तार के को मोड़ के उसके आगे पहिया उसको ऐसे घुमाते थे और तभी मैंने उनका हार्ट अटैक होते हुए देखा। और तो उसके बाद मतलब हम छह भाई थे और सबको लेके हसनपुर से फिर आगरा आना और तब तक मेरे सबसे बड़े भाई भी तब तक काम करना उन्होंने शुरू नहीं किया था तो संघर्ष तो डेफिनेटली देखे। और पर बहुत अच्छी बात ये रही कि जो कभी भी ना नानी ने ना हमारी अम्मा ने अम्मा बोलते थे उनको हम कभी भी ये लगने नहीं दिया कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही जो वातावरण था वो बहुत ही खुश टाइप का वातावरण था। और ये जैसा सबके घरों में होता है ना खाने की मतलब चाहे वो सादा खाना हो पर वो इतना प्यार से बनता था और इतने इतने उसमें क्या बोलते हैं इतना लुत्फ आता था इतना मजा आता था। और वहां से उस संघर्ष की बात देखें तो और भी बहुत कुछ सीखने को मिला नानी और अम्मा से कि अम्मा का जो पूरा नजरिया था जिंदगी के प्रति कि संघर्ष हो रहे हैं पर चेहरे पे कोई शिकन नहीं कि मतलब वो मैंने जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की किताब में वो रिचर्ड बैक्स की किताब में वो पढ़ा कि गॉड नेवर गिव्स यू अ प्रॉब्लम राइट विदाउट गिविंग यू अ सॉल्यूशन विदाउट गिविंग यू द पावर टू सॉल्व इट। तो ये किताब तो मैंने बहुत बाद में पढ़ी पर ये तो मुझे बचपन में अपनी माँ के चेहरे पर दिखाई देता था कि कोई भी प्रॉब्लम हो कॉन्फिडेंस की उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस जो है ये बहुत सीखने को मिला मुझे यू नो। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संघर्ष था यू नो ऐसा नहीं था कि मतलब जो जो मन में आया खरीद लिया तो मतलब वो पैसों को बचाना पैसों की अहमियत पैसों की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा थी पर ये भी था दिल में कि मेहनत से रिसोर्सफुलनेस से यू नो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो एक तो ये चीज सीखने को मिली दूसरी चीज सीखने को मिली कि जो मेहनत है मेहनत उसका कोई देयर इज एब्सोल्युटली नो अल्टरनेटिव टू दैट कि आपको भगवान ने बहुत टैलेंट दिया हो आपको बचपन से जीनियस बनाया हो राइट अनलेस यू आर सुपर 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 जीनियस यू माइट बी रियली टैलेंटेड पर अगर मेहनत करने का वो नहीं है जज्बा नहीं है या मेहनत करने की आदत नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो मेहनत करना सिखाया कि मतलब और मेहनत करना भी फिर बाद में फिर वो मेहनत नहीं लगती है when you got an aim in front of you फिर वो मेहनत भी मेहनत नहीं लगती है। और वो मुझे मेरे साथ वो आज भी होता है कि अगर मैं कुछ गाना लिख रहा हूँ या एंथम लिख रहा हूँ या फिल्म लिख रहा हूँ तो वो अगर जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती जब तक वो बहुत ही बढ़िया नहीं बन जाती तब तक मतलब रिजेक्ट करते रहो मतलब पेपर ऐसे फाड़ फाड़ के फेंकते रहो यू नो कंप्यूटर में ट्रैश करते रहो अपने सारे उसको तो वो एक पॉइंट पे वो फिर मेहनत नहीं लगती है। तो ये सारी चीजें सीखने को मिली। पर आई थिंक सबसे बड़ी जो सीख थी जो मैंने पहले बोला कि संघर्ष हो पर दिल में ये कॉन्फिडेंस हो कि यार कुछ भी आ जाए कुछ भी हो जाए हमारे अंदर जो है कुछ सक्षम है इसको झेलने के लिए और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए और सक्सीड होने के लिए। और ये मेरे ख्याल में हम सब में होना बहुत जरूरी है। आजकल जैसा मैंने कहा कि ये वी आर नॉट गोइंग थ्रू वेरी गुड टाइम्स राइट नाउ या कितने ही लोग होंगे जिनके की जॉब सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम होगा पर मेरा अभी उन सबके लिए यही कहना है कि हमारे अंदर हमको पता भी नहीं होता है कि हमारे अंदर कितनी रिसोर्सफुलनेस है कितनी मेहनत करने की क्षमता होती है तो उसको उजागर करें उसे बाहर लाएं और फिर क्या कोरोना फिर क्या व्हाटएवर यू नो सबको देख लेंगे। यही बात है ये और यही है डिटरमिनिज्म। मैं अगर इसको एनवायरनमेंट साइंस और ज्योग्राफी के लैंग्वेज में कहूं
तो ये डिटर्मिनिज्म है, और ये डिटर्मिनिज्म जो माँ से आपने सीखा वही है कि नेचर सेट द लिमिट फॉर ह्यूमन ग्रोथ, लेकिन उस ग्रोथ को हम उस ग्रोथ के साथ साथ उसने हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने दी पर सोल्यूशन भी दिया, और वो जब कोई बच्चा वो माँ से सीख लेता है तो वो बच्चा फिर व्यक्तित्व में बदल जाता है और वो बनते हैं हमारे सोनाल डबराल भाई। मैं इस बीच में आपको थोड़ा सा एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, छोटा सा सरप्राइज, जो आपको उस आगरा के घटिया आजम खां, संजोस चौराहे की और बेलनगंज की याद जरूर दिलाएंगे। हमारे साथ आपके एक दोस्त जुड़े हुए हैं, संजय सहगल साहब। हाय अरे संजय भाई कैसे हैं, क्या बात है भाई, क्या हाल है आपके? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो पप्पू भाई? भैया बोलते हैं, भैया बोलते हैं आपस में हम लोग। हाँ भैया, भैया को राम, भैया को राम, भैया को राम, भैया को राम। मजा आ गया, बातें जब अच्छी लगती हैं मजा आ गया। भैया की बातें, हाँ भैया की बातें, और सक्टू भाई, सक्टू हलवाई के पास चल रहे हैं, हैं? सक्टू की लस्सी, लस्सी सक्टू की जलेबी, जलेबी मक्खन बाटी, फैंटास्टिक, आलू की कचौड़ी, थोड़ा सरप्राइज। संजय सर आलू की कचौड़ी, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे यार मूंगफली, अरे क्या यार, याद क्या याद दिला दी यार, माई गॉड, मजा आ गया। स्कूल के अंदर खुशकी के समोसे, ओहो हो हो, और वो बन 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 समोसा, बन समोसा, बन समोसा की मैं, हाँ बन समोसे की मैं बात कर रहा था। और ये जो पप्पू हमें बोल रहे हैं ताशु, ये ताशु मेरा घर का नाम था, तो सब लोग मुझे घर पे ताशु ही बोलते हैं, तो ये पप्पू जो है हमारे, ये संजय जिनका नाम पप्पू, ये हमें ताशु बोलते हैं। संजय सर मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, स्कूल के बाद जो ठेले से हम चुस्की खाते थे ताशु, क्या मजे थे चुस्की के। हा 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 हा। संजय सर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, जो हमारे जो ये व्यक्तित्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व आपके सामने दिख रहे हैं, आपके ताशु और हमारे लिए हमारे सोनाल डबराल जी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बचपन में इनमें जब आप पढ़ते थे आप लोग साथ साथ, तो ये क्रिएटिविटी तब भी दिखती थी? वो बता रहे हैं कि साइकिल तो बनाते थे वो तार की, लेकिन उसके अलावा वो क्रिएटिविटी क्या थी कि आज दुनिया में उनका माइंड हर जगह है और उनके माइंड की लोग मिसाल देते हैं कि पता नहीं इस माइंड के अंदर क्या है बरावा की इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी इसके अंदर है। तो बचपन की कुछ ऐसी यादें आपकी हों जो दर्शाती हो कि वो क्रिएटिविटी तब से थी और अब तक है। सबसे बड़ी बात, ताशु में जज्बा बहुत था, बहुत जज्बा था, और हम लोग जो है हैंड टू माउथ हुआ करते थे जी। पैसे की कमी बहुत थी हम लोगों के पास, हम पैसे बचा बचा के खर्च करते थे, और ताशु बींग अ राइटर डायरेक्टर एंड अ क्रिएटिव कंसल्टेंट, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा सिंगर भी है। ओह ग्रेट जी, माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाता ताशु, ही इज अ वेरी गुड एट इट। प्लस वो ताशु भाई हमारा टेबल टेनिस खेलना, शेरों की कोठी में, शेरों वाली कोठी में टेबल टेनिस खेलना, एंड ताशु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, हम लोग तरह तरह की व्यंजन करते थे, ताशु भाई के घर पे जाके खाते थे, और वो माँ का बनाया हुआ खाना और अम्मा का बनाया हुआ खाना, उसका मजा ही कुछ और था, बड़े प्यार से परोसा जाता था वो खाना। और सेंट पीटर्स के अंदर ताशु भाई मदर मैरी की सिंगिंग क्लास, रिमेम्बर दैट? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, आई स्टिल रिमेम्बर, अच्छी तरह याद है। एक क्लास में आपके नोट जो हाई लगने थे वो लो लगे, तो मदर मैरी आपको बुलाती थी डब्बा, डब्बा ऊंचू ऊंचू गाओ ऊंचू, रिमेम्बर दैट? या रिमेम्बर। एंड उनका जो, ये तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सर से कि वो जो ऊंचू था वो आज भी अगर गा पाए एक दो लाइन। तो ये हाँ, वो मुझे वो स्केल से मारती थी, स्केल से मारती थी, राइट? हाँ वो गाना तो मुझे याद नहीं, पता नहीं कौन सा था वो, पता नहीं, आई थिंक वो हिम्मत वदन की हमसे है था शायद। हाँ
काशु भाई, एक हमने ड्यूएट किया था सिंगिंग कॉन्टेस्ट में, वी पार्टिसिपेटेड, और सिंस आज वाज अ ऑल बॉय स्कूल, मेल और फीमेल वॉइस हम लोगों की ही गानी पड़ती, गाना पड़ता था। करेक्ट। इफ यू रिमेम्बर इट राइट, हम लोगों ने एक ड्यूएट किया था सिंगिंग कॉन्टेस्ट में, उसके वर्ड पे आप भूल गए थे बीच में, आपको भूलने की बहुत आदत थी, वो क्रिएटिविटी के मैं ब्लेम करता रहता हूँ, क्रिएटिविटी को ब्लेम करता रहता हूँ। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद बीच में हम लोग गाना भूल गए थे, एंड द सॉन्ग वाज फ्रॉम आन मिलो सजना। हाँ, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, मैं रात को, हाँ हाँ आधी रात को, और कहाँ, और ताशु भाई भूल गए, एंड द कर्टन्स केम डाउन। बाहर निकलते हुए ताशु भाई पूछते हैं, यार कहाँ मिलना था? ये तुम जोक बना रहे हो, थैंक यू सुनील भाई, आप आए, आपने इतनी यादें और ये हंसा दिया सुनील भाई को, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये बचपन का दोस्ती। आई विश यू ऑल द बेस्ट, इट गोज विदाउट सेइंग, माय विशेस आर ऑलवेज विद यू, थैंक यू, थैंक यू, स्टे ग्राउंडेड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पप्पू। तो देखिए ये है आपके, और वो जानते हैं कि आप आज भी उतने ही ग्राउंडेड हैं, आपके दोस्त भी, और वो दिखाता है कि ये है जो जो लोग अपने संघर्षों के साथ साथ जो जो धरती पकड़ के जब निकलते हैं ना, तो तब वो बनते हैं सोनाल डबराल। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप इस समय, जैसे अभी वो कह रहे थे आपके दोस्त की कई बातें भूल जाते थे, और ये वाकई में क्रिएटिविटी है, क्योंकि आप सोचते हैं 10 कदम आगे की, अभी जो दिमाग में चल रहा है उसे 10 कदम आगे सोच रहे हैं, वही क्रिएटिविटी है, कुछ कुछ नया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट होता है, आपने बहुत बड़ा अच्छा, मैं आपका टॉक सुनना था, आपने कहीं पर कही है ये बात कि जो एड होता है, एडवर्टीजमेंट किसी चीज का होता है, दैट इज अ फिलोसफिकल मैनिफेस्टो ऑफ अ प्रोडक्ट। आपने कहा है कि दैट शोज डिजायर ऑफ द प्रोडक्ट और द पीपल। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट का एड है, अगर आप किसी प्रोडक्ट का एड बनाते हैं, उसमें क्रिएटिविटी क्या कहती है और वो एड क्या कहना चाहता है, ये आप इतने कम सेकंड में, 22 सेकंड का शायद एक एड बनता है, 18 सेकंड का एक एड बनता है, उसमें कैसे दिखा पाते हैं और क्या क्या दिखाते हैं, जरा ये बताइए आप। तो क्या होता है कि जब भी कोई एडवर्टाइजिंग ब्रीफ आता है या एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम होता है एक्चुअली ब्रांड का प्रॉब्लम या बिजनेस का प्रॉब्लम, या कई बार हम कोई कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कई बार कोई पूरे ब्रांड को सेल करते हैं, कंपनी के आइडियाज़ को सेल करते हैं, कई बार कुछ पब्लिक सर्विस में कुछ आइडियोलॉजीज़ को सेल करते हैं। तो हमेशा जो ब्रीफ होता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर होता है, जो कि या तो बिजनेस प्रॉब्लम होगी कि कारें नहीं बिक रही हैं, या कोई प्रॉब्लम होगी कि लोग बाग जो है बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो There is always a problem. अच्छा, वो problem फिर ये समझने की जरूरत होती है कि वो problem है तो क्यों problem है? अगर लोग बाग गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं तो क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तो वो सब, उन सब चीजों को ध्यान में रख के, उन सब चीजों की नॉलेज और उनका जो पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करके, पता करके और लोगों के इंटरव्यूज लेके, वो पूरी जो नॉलेज होती है वो जब सामने आ जाती है, फिर उस नॉलेज को लेके कि अब कहना क्या है जी। तो अगर ये कहना है कि अब जैसे मैं वही गर्ल ऑन द क्रिकेट फील्ड की बात करूं जी, कि गर्ल ऑन द क्रिकेट फील्ड, तो उसमें कहना क्या है? उसमें कहना ये था कि कंपनी चाहती थी कि जो चॉकलेट्स हैं जो केवल बच्चे खाते थे, जो केवल बच्चों को एडवर्टाइज की जाती थी जी, वो चॉकलेट जो है अब हमें बड़ों को एडवर्टाइज करनी है। पर बड़े तो उस जमाने में खरीदते नहीं थे चॉकलेट, बड़े बच्चों के लिए खरीदते थे। तो
तो बड़ों को लगता था कि अरे यार हम अपने लिए कैसे खरीदें चॉकलेट, हम पब्लिक में चॉकलेट खाते हुए दिखाई देंगे तो लोग बाग कहेंगे कि ये तो देखो बच्चों की तरह चॉकलेट खा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दिस वॉज द प्रॉब्लम। तो अगर तो हमने क्या किया, हमने उसकी तुलना की, जिस तरह से आप कई चीजें होती हैं जो आपके दिल में रह जाती हैं, आप इसलिए नहीं करते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग बाग क्या कहेंगे। तो ऐसा मत सोचिए, जो दिल में आए है कर दीजिए। मतलब फुटबॉल आ रही है तो उसको किक करिए बाहर, यू नो। अगर आपको, अगर आप 40-50 साल की भी महिला हैं और बच्चों के साथ आपको वो क्या बोलते हैं गिट्टी फोड़ या कुछ खेलना है बिल्डिंग के पाउंड में, तो खेलिए, राइट। और अगर आपके बॉयफ्रेंड ने शॉट लगाया और आप को डांस करना है तो डांस करिए खुल के, क्योंकि वही है जो असली स्वाद है जिंदगी का। तो अब क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम ली गई, उसका प्रॉब्लम का इंसाइट ढूंढा गया कि क्यों ये प्रॉब्लम है। तो जब पता लगा कि ये प्रॉब्लम है तो उसकी जो स्टोरी बनाई गई, उस स्टोरी के थ्रू वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया गया। तो ये सारी चीजें, जब मैं एक और एग्जांपल दूंगा, आजकल आईपीएल चल रहा है, तो अब आईपीएल की मुझे ब्रीफ मिली, ये करीब आई थिंक 2007 की बात है, काफी साल हो गए इसको, पर वो ब्रीफ थी वर्जिन मोबाइल की तरफ से, कि ब्रीफ ये थी कि सबके सब टीवी पे हैं, वर्जिन मोबाइल जो है वो बहुत छोटा ब्रांड है, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है, जो हमारे उनके जो ब्रांड मैनेजर थे मिस्टर प्रसाद नरसिम्हन, आई रिमेम्बर, वो हम लोग बाहर खड़े हुए थे फिल्म सिटी में, और उन्होंने मुझसे कहा कि यार सोनाल, दिस इज द प्रॉब्लम कि आईपीएल आने वाला है, बड़े बड़े ब्रांड वोडाफोन और आइडिया ये सब होंगे टीवी पे, पर हम तो छोटे ब्रांड हैं वर्जिन मोबाइल, और हम केवल यूथ से बात करते हैं, यंगस्टर से बात करते हैं, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं कि हम टीवी पे जाएं, क्योंकि टीवी इज सो एक्सपेंसिव ड्यूरिंग आईपीएल, पर आईपीएल में हमारी प्रेजेंस भी जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम आ गई सामने दिमाग के। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि उस साल पहली बार जो आईपीएल जो है इंटरनेट पे भी वेबकास्ट हो रहा था, टीवी पे तो हो ही रहा था पर इंटरनेट पे भी हो रहा। तो मैंने कहा तो टीवी पे नहीं जाते हैं, पैसे खर्चे टीवी पे नहीं जाते हैं, हम एक बड़ी कैंपेन करते हैं और डिजिटल पे करते हैं। तो अब क्या कैंपेन करी जाए। तो मैंने कहा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है आईपीएल के दौरान हम लोग यंगस्टर्स को इंटर सिटी टैरिफ जो देंगे उसमें हम डिस्काउंट देंगे काफी, कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी बात करिए और कम डिस्काउंट, काफी डिस्काउंट मिलेगा, तो आप हमारे वर्जिन मोबाइल आप लीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा ये आइडिया, मैंने कहा ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि अब देखिए इसमें स्टोरी टेलिंग आई। तो अभी तक तो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का फिर नॉलेज गैदर हुआ कि पैसे नहीं है तो वेब पे जाएंगे जी, और ये सब समझने के बाद अब आई स्टोरी टेलिंग। तो मैंने कहा कि आईपीएल जो है, अब क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी इज मेकिंग कनेक्शंस वेयर कनेक्शंस डोंट एग्जिस्ट, सो मेकिंग सरप्राइजिंग कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट, दैट इज क्रिएटिविटी एट द एंड ऑफ इट ऑल इन वेरी सिंपल टर्म्स। तो मैंने कहा कि आईपीएल जो है वो अलग अलग शहरों के बीच होता है, मतलब दिल्ली खेल रही बैंगलोर से, बैंगलोर हर शहर में जो है फैंस होते हैं आईपीएल के, उस टीम के, और आप दे रहे हो इंटर सिटी टैरिफ, मतलब एक शहर से दूसरे शहर के बीच आप डिस्काउंट दे रहे हो जी। तो क्यों ना एक जो दोस्त है कलकत्ता में बैठा हुआ, आपका जो कंज्यूमर है, वो एक दोस्त अगर कलकत्ता में बैठा हुआ और आईपीएल मैच देख रहा है, और ये मानिए कि उसके दोस्त, उसका दोस्त जो दिल्ली में बैठा है या दिल्ली में दिल्ली की टीम को जो सपोर्ट करता है, उन दोनों का मैच है सपोज, तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को, जैसे हम दोस्त करते हैं एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो वो करेगा। तो एक काम करते हैं, इंडियन पंगा लीग बनाते हैं, तो जिसमें कि सारे दोस्त हैं वो एक दूसरे से पंगा लेंगे, तो ये हो गया। तो ये आइडिया आ गया कि इंडियन पंगा लीग बन, ऐसे खड़े खड़े हम बात कर रहे थे, और मैंने कहा ये इंडियन पंगा लीग बनाते हैं अलग अलग। और जब एक बार आइडिया आ गया तो वापस आके ऑफिस में फिर मैंने पूरी टीम्स के साथ बात करी, और मैंने टीम से कहा कि अब सबके सब जो है क्रिकेट को लेके आप लेट्स राइट स्क्रिप्ट्स आफ्टर स्क्रिप्ट्स आफ्टर स्क्रिप्ट्स, क्योंकि आइडिया वॉज कि एक
हर सिटी में फैंस होंगे और वो सब दोस्त हैं एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे को फोन करके उसकी टांग खींचेगा। तो फिल्म जो हमने कहा कि फिल्म जो होगी विल बी कॉन्वर्सेशंस ऑन द फोन, तो उसमें प्रोडक्ट भी आ गया एंड एंड और वर्जिन मोबाइल की लाइन थी थिंक हटके, कि मतलब थोड़ा हटके सोचिए आप, तो ये थोड़ा ये इंडियन पंगाली एज इट इज इट वॉज एन हटके एंटिटी। तो ये फिर हमने फाइनली 140 फिल्म लिखी, उसमें से 105 फिल्में बनाई और 105 फिल्में जो है डिजिटल पे चली। तो ये मैंने मतलब एग्जांपल दिया आपको कि किस तरह से जो है थिंकिंग होती है क्रिएटिव थिंकिंग एडवर्टाइजिंग में। और ये तभी उनका इतना इम्पैक्ट हुआ कि ये जितने एड आपने बनाए, एक राखी का कैडबरी का एड आपने बनाया था, मतलब वो हमेशा मन में छाया रहा। मैं किसी से मिलवाना आपको चाह रहा हूँ थोड़ी देर में, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ इस बीच में। मैं जितने भी एड वो बने थे और वो एड वाकई में, क्योंकि उसमें इमोशंस भी थे, उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी दिखती है और उसमें उसमें कई बार संबंध भी दिखते हैं, तो वो जो संबंध आपने बताया अभी, जो दूर दूर के संबंधों की आप बात कर रहे थे, ऐसा ही एक सरप्राइज हमारे पास है आपके लिए कि संबंध आदमी को, व्यक्तित्व को कहां से कहां पहुंचाता और कितने याद आते हैं, तो आप थोड़ा सा मिलिए उनसे। अरे हेलो ताशु। हाँ डब्बू भाई, चिरंजीव, चिरंजीव प्रणाम। आप बड़े भाई हैं। चिरंजीव, चिरंजीव प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया, फिट? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो? अरे क्या मजा आ गया, मजा आ गया देख के। क्या सरप्राइज है ना। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। पर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं बात ही कर रहा था, अभी आगरा की बात कर रहा था, और वो जो क्रिकेट खेला करते थे। और अच्छा मैं बताऊं, मैं अब सारे जो सुन रहे हैं उनको ये बता दूं कि ये जो हमारे भाइयों में जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिनेरियन थे वो हमारे डब्बू भाई थे। हाँ, हमारे अनिल भाई साहब, डॉक्टर अनिल डबराल। तो ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते जी। मैं सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं इस समय, डॉक्टर अनिल डबराल जी को सब कोई जानते हैं, ऋषिकेश में आप इस समय हैं। आपने मेडिकल से मेडिकल किया है, फिर गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, और फिर उसके बाद अपना अब अपना प्राइवेट निजी हॉस्पिटल है। वैसे तो रहे देहरादून में रहे, लेकिन आपका अपना हॉस्पिटल है ऋषिकेश में, देहरादून रोड पर। तो ये है भाइयों का प्यार। और कई लोग देख भी रहे हैं, वो देखेंगे कि देखिए ये होते हैं, जब हर फैमिली में कनेक्टिविटी बनी रहे, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करे, तो तब होता है कि फैमिली में 10 लोग डॉक्टर निकल जाते हैं, 2-4 लोग क्रिएटिविटी में जाते हैं, तो पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ देते हैं। वो है ये परिवार के लोग। मैं भाई साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि आपके छोटे भाई हैं सोनाल डबराल जी, बचपन में कितने शैतान थे कि वो क्रिएटिविटी आज तक है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए थोड़ा सा। तो देखिए, एक तो ये एक्सीडेंट प्रोन बहुत था, समझ रहे हैं, दो बार इसने अपने हाथ की हड्डियां तोड़ी। पर वैसे जिसे कहते हैं ना शैतानी, नॉटी, वो नहीं था, वो बिल्कुल भी नहीं था। और मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट था, मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे अभी इसलिए भी शायद थोड़ा सा, जब अभी भी होता है कि अगर हम 5 भाई भी अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो मुझे, मैं ज्यादा देर इनके पास नहीं बैठ पाता, क्योंकि ये लोग अनकंफर्टेबल से हो जाते। तब मुझे ध्यान आता है कि मेरी क्या कहते, शायद वो जो इनको अनुशासन में रखने की, शायद मैंने कुछ जाति की होगी, तो इसलिए मैं हट जाता हूँ वहां से। वो आपके अनुशासन का ही इम्पैक्ट है कि आज वो दुनिया में, ये मैं सारी दुनिया के सामने बता दूं, अभी जो जो देख रहे हैं कि ऐसी डब्बू भाई ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो मुझे अभी भी याद है, वो मतलब कभी कभी हॉकी दिखा के कहना कि पर ये बात बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत तो रहता है, वो बड़े बड़े भाई का अनुशासन तो रहता है। लेकिन वो बड़े भाई का अनुशासन ये है कि जो आपको आज एक व्यक्तित्व सोनाल डबराल बना देता है, जो आज दुनिया में अगर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो पहले नंबर पर जब कोई आते हैं तो वो हमारे सोनाल डबराल भाई आते हैं। और इसमें परिवार का बहुत बड़ा साथ है। हमने पूछा पहले माँ का कितना बड़ा योगदान था,
नाना नानी के पूरे मामा मामा लोगों का योगदान रहा, और अनिल भाई साहब का इतना बड़ा इम्पैक्ट पूरे परिवार पर रहा कि सब लोग सब कुछ सीख गए, अपना सब कुछ कर गए। ये परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है जब हम बहुत ऊंचे ख्वाब देखते हैं। बहुत जरूरी भाई साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आप आए, इतना समय आपने दिया हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं अरे मैं इसकी वजह से आपके शो में आ पाया, मेरे लिए तो गौरव की बात है कि मैं सोनाल की वजह से आपके शो में तो आया। अरे सर, सोनाल सर का आना ही हमारे लिए, एंड मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं इन सब भाइयों की वजह से आपके शो पे आ पाया। सब इधर म्यूचुअल 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 रेस्पेक्ट। मुझे कई बार लगता है कि उनमें संस्कार भी है, उनमें सभ्यताएं भी है, उनमें सम्मान भी है। वो जो राखी वाला एड था आपका, राखी के दिन पे कैडबरीज का, वो उस जमाने के एड थे। आज तो एड का थोड़ा प्रारूप बदल गया। मैं अभी आपका एक ट्वीट देख रहा था, उसमें आपने कहा है एक एडवर्टीजमेंट था किसी कार का, शायद एडवर्टीजमेंट है जो एक पानी से निकल के अपने आप ही ऊपर पहुंच जाती है। तो आज आप कह रहे हैं कि एक नया चीज है, आज के दिन में आपने ये एक नया देखा। तो तब के एड और अब के एड में, मैंने ये क्वेश्चन वैसे पहले पूछ लिया है पर फिर भी मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि पुराने जो एड होते थे उनमें इमोशंस ज्यादा होते थे, उनमें रिश्तों को ज्यादा दिखाया जाता था, आजकल इंडिविजुअलिटी ज्यादा आई है। तो ये क्योंकि समाज बदला है इसलिए ऐसा हुआ है या कुछ और वजह है? एक तो समाज बदला है, पर क्या है कि जो ह्यूमन स्टोरीज हैं वो कभी नहीं जाएंगी। हमारी रिश्तेदारियाँ, जो हमें चीज़ें हंसाती हैं, जो हमें चीज़ें रुलाती हैं, वो कभी नहीं जाएंगी, वो तो चलती रहेंगी जब तक कि एक दिन, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बड़ी हो जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इमोशंस फील करने लगे। पर तब तक के लिए ह्यूमन बीइंग्स, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, आंसू तो निकलेंगे और खुशी भी होगी और हंसी भी आएगी। एक चीज जो हुई है तब की एडवर्टाइजिंग में और अब की एडवर्टाइजिंग में कि एक तो लोगों की जो क्या बोलते हैं, अटेंशन डेफिशिएंसी हो गई है। मतलब जो अटेंशन, बिकॉज इतना सारा शोर है हमारे इर्द गिर्द, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है अब कि हमारी जो अटेंशन है एक एक एड के प्रति वो कम कम से कम होती जा रही है। तो वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि ये सोशल और डिजिटल और ये जो मोबाइल स्क्रीन्स पे जो हम अब आजकल देख रहे हैं, उसमें हमारी जो थंब है वो स्क्रॉल करती रहती है। तो अनलेस यू मैं कोई ऐसी आपको लंबी स्टोरी नहीं दिखा सकता मोबाइल के ऊपर जिसमें कि आपको थोड़ा टाइम बिताना पड़े, थोड़ा मतलब उसकी रिलेशनशिप देखनी पड़े। तो इसीलिए सारी स्टोरीज भी थोड़ी छोटी होती जा रही हैं कि जल्दी जल्दी, और उसमें पैसे भी कम लगते हैं। तो ये गलत है एक तरह से कि मतलब इमोशंस को बताने के लिए और अच्छी स्टोरी टेलिंग के लिए आपको 30 या मिनिमम 40 सेकंड की तो जरूरत, बहुत बहुत जरूरत होती है। तो उसमें फिर अगर 10-10 सेकंड में आप एड्स दिखाएंगे तो उसमें वो, दैट्स वाई द स्टोरी टेलिंग ऑफ पास्ट इज काइंड ऑफ गेटिंग लॉस्ट नाउ। पर फिर भी कई ब्रांड्स के लिए इम्पोर्टेंट है और फिर भी होती हैं, यू नो, अगर आप देखेंगे कुछ ब्रांड्स हैं जो अभी भी लंबी स्टोरीज दिखाते हैं और दे आर सक्सेसफुल। वो दिखता भी है आप, और आपके जितने भी एड देखे हैं, मतलब उनमें एक रॉयल्टी तो लगती है। वॉल्सवैगन का एड अगर हम देखें तो एक रॉयल्टी लगती है, कोका कोला का देखें तो लगता है कि हाँ वो इनके लिए बनाया गया है, यूथ के लिए बनाया गया, तो उस तरह से अटैक करता है वो मन मस्तिष्क पर। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अभी आपका तो जाना बहुत कम हो पाता होगा और बचपन से वैसे भी बात है, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप सोचते हैं कि एक बार यहाँ जरूर जाऊंगा, उत्तराखंड की ये जगह जरूर देखूंगा, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई इवेंट जो आप चाहते हो कि एक बार जरूर जाए वहां और देखें? अब उत्तराखंड ना, जो मैंने जैसे बताया कि जो मेरा जो बचपन गुजरा आगरा में, तो इतने सारे इन्फ्लुएंसेस थे शेरवाली कोठी में। जैसे जो हमारे सबसे बड़े मामा, जो मैंने बताया था, जो डॉक्टर थे हेम मामा, और उनके बीच वाले थे जयंत मामा, और जयंत मामा बॉम्बे में हैं, और लल्लू मामा, तो विजी मामा, जो जो तो विजी मामा और हेम मामा तो अभी नहीं रहे, पर सब के सब
इतनी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज, रेखा मौसी, प्रभा मौसी, हमारी मामी थी, तो रेखा मौसी, प्रभा, ये सब जो लोग थे, मेरे जो कजन्स थे, जो मेरे भाई, सबके सब, इतने लोगों का इन्फ्लुएंस रहा बड़े होते हुए कि बहुत सारी बातें जो सुनने को मिलती थी तब उत्तराखंड की, कि हर ये जो सारी मौसियां, मामा, अम्मा, नानी सब जब भी बैठते थे, कभी साथ खाना होता था, कभी कभी साथ खेल रहे हैं, तो उसमें स्टोरीज निकल के आती थी, काफी चीजें सीखी इन सब से, सब सब बुजुर्गों से सारी चीजें सीखी, काफी चीजें सीखी, पर इनके साथ साथ ऐसी स्टोरीज निकल के आती थी कि जब वो दुगड्डा में होता था, जब कोटद्वार में होता था, इतनी इतनी इतने जगहों के नाम सुने, इतनी चीजों के नाम सुने उत्तराखंड के, कि मेरा हमेशा से देखने का मन रहता था, पर वो अभी तक ठीक से नहीं देख पाया हूँ, मतलब गया हुआ हूँ पर उतना नहीं जितना कि जितना मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं एक दो क्वेश्चन और बाद में आपसे उत्तराखंड कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ हमारे टीम में है हमारी छोटी बहन है राखी, तो वो कभी उत्तराखंड की बड़ी यादें दिलाती है और उसकी बातों में उत्तराखंड झलकता है, हर बात में वो उत्तराखंड झलकता है, तो वो साथ में, और मैं चाहता हूँ राखी आपसे कुछ पूछना चाहती है, देखिए राखी क्या पूछती है। हाँ हाँ जरूर। नमस्कार सर। नमस्ते राखी, बहुत धन्यवाद जी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के आज, आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे अपने परिवार के साथ। थैंक यू। हमारे गढ़वाल में एक कहावत है, क्या कहते हैं, पहाड़ियों में बोलते हैं वैसे कि जुड़ी में छप छपी पड़ना, वो इसका मतलब है कि एकदम दिल सुकून मिलना, जब वो मैंने सुना है। हाँ जी, तो वो है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और अच्छा लगा मतलब जुड़े, हमारे पेज से जुड़े और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। थैंक यू। मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ, तो हमारे साथ श्रीनगर में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको देख रहे हैं और काफी आपको पसंद करते हैं, तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे लाइव के माध्यम से, उत्तराखंडी के माध्यम से जुड़ पा रही हूँ टीम के माध्यम से, तो एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो सर हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक सेशन होता है छोटा सा, मैं कुछ गढ़वाली और उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको जो आंसर है वो आप ऑब्वियसली देंगे ऑब्वियसली, तो और जो नहीं आते हैं वो आप पास कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, उसको बता दूंगी आपको। तो शुरू करते, रेडी है आप? पर मैंने बोला ना कि शेरों वाली कोठी में इतना इतना सीखा मैंने, अभी तो हमारा एक शेरों वाली कोठी का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें सब हम सब कजन्स, भाई वगैरह सब हैं उस ग्रुप में, और अभी भी यादें और सीख चलती रहती है, तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ, बोलिए जी। तो सर उत्तराखंड में एक बहुत फेमस मंदिर है, जैसे कि आप मानते हैं कि उत्तराखंड देवों की भूमि होती है, तो वहां पे देवभूमि कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे देवों का वास है हमारे उत्तराखंड में, तो बांस देवता मंदिर है उत्तराखंड में, तो आप बताइए कहाँ पर है वो, किस जगह पे है? अरे बांस देवता तो मैं कैसे नहीं बता सकता, तो हमारा गाँव है तिमली गाँव, और मतलब मुझे तो इसकी कहानियां भी पता हैं, और ये जो मेरे भाई अभी 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 जो आए थे डब्बू भाई, तो डब्बू भाई तो मतलब वहां पे जाते भी रहते हैं, फोटोग्राफ्स भी आते रहते हैं, तो वहां तो मुझे जरूर जाना है, तो वो बांस देवता जो है वो तिमली में है जी। तो ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, और जैसा कि बोलते हैं ना कि गढ़वालियों में होते हैं, पहाड़ियों में होते हैं घपरोल नाचन, गॉसिप का नाचन, गॉसिप कर रहे हैं, तो उसका क्या है, गॉसिप करने क्या बोलते हैं गढ़वाल में पहाड़ी लैंग्वेज? ये मुझे याद आ रहा है, ये मैं वहां सुना करता था अम्मा और नानी के बीच में कि हाँ छुई लगाना छन, छुई। बिल्कुल सही बोला आपने, जब घर में हमारे बड़े बुजुर्ग बात करते हैं या हम भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बात करते हैं, तो उसे ये बोलती उत्तराखंड के किस मंदिर के बारे में जिक्र किया था एक बार अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने जिक्र किया था? ये तो वो थे वो नीम करोली बाबा।
जी, कैंची धाम में है करोली बाग जी। अच्छा, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? काफी सुना होगा आपके बारे में, काफी फेमस था। हाँ, चिपको आंदोलन तो बल्कि मैं बहुत उस पर इंटरेस्टेड भी था, अभी भी थोड़ा और रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। गौरा देवी, गौरा देवी, जी बिल्कुल सही, आपने सारे ऑलमोस्ट सही उसके दिए। बाद वो और सुंदरलाल बहुगुणा भी उसमें जुड़ गए थे, पर गौरा देवी थी जो जिन्होंने शुरू किया था। जी, और ये फेमस बैंड जो बीटल्स, उसका आश्रम उत्तराखंड में कहाँ पर है? काफी ऋषिकेश, फेमस। जी ऋषिकेश। बिल्कुल बिल्कुल, ऋषिकेश में है। जी हाँ सही बोला आपने, ऋषिकेश में है। अच्छा, हाँ एक एक चीज वर्ड में बोलूंगी तो आपको ये बताना है कि किसी फल का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, या फिर किसी डिश का नाम है, तो फाणू, फाणू किसे बोलते हैं? अरे फाणू तो ये तो मैं बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ये तो फाणू डिश डिश का नाम है। ये क्या बात क्या 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 दाल होती है वो? गैथ, गैथ, राइट, गैथ, गैथ। है? हाँ, हाँ उड़द गैस दाल के होता है, चैनी बनती है उड़द दाल की जो काली दाल होती है, और गैस की दाल बनता है फाणू। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इन रिटर्न मैं बीइंग उत्तराखंडी आप लोगों से बोलता हूँ कि अच्छी सी रेसिपी भेजें इसकी। पक्का पक्का सर। और सर, जैसे बचपन में, बचपन में नहीं मतलब अभी, मेरी जो पहाड़ी मॉम होती है वो अपने एक स्पेसिफिक स्लैंग के लिए बड़ी फेमस होती है, तो मेरी माँ मुझे अक्सर बोलती थी जब मैं कोई सेटिंग करती थी या कुछ भी ऐसे कोई ऐसी हरकत करती थी उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो उसी तो दीदी मिन तेरे बाल में खेड़ा की मार दे, ज्यादा खींचा चलो। फिर आप कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी मॉम ने आपको कुछ बोला हो पहाड़ में, कुछ बोला हो ऐसा सॉरी सॉरी, क्या दोबारा फेमस? बोलिए, दोबारा बोलिए कि कोई मेरी मम्मी मतलब जो है ना वो मुझे, हाँ कोई मेरी गड़बड़ मम्मी कोई है वो मुझे हाँ बोलती हाँ है, जब भी मैं कोई गलत हरकत करती हूँ या तानी बतानी करती हूँ उनको परेशान करती, तो बोलती है कि मैंने तेरे खेड़ा की मार दिया पालमा, ज्यादा चकड़ाए हाँ मत हाँ बन। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। खड़ों वो क्या बोलते थे उसको, इसको खड़ई या कुछ ऐसे ऐसा। हाँ 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 वो हाँ खड़ा ये बोलते हैं। अम्मा 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 नानी दोनों बोलते थे, मुझे याद है। और एक और चीज हाँ बोलती जी थी अम्मा, एक और चीज बोलती थी कि जब मैं, मुझे ना जैसे मुझे कुछ दालें थी, मुझे, मैं ऑल दो काफी वो था, मैं काफी क्या बोलते हैं, मैं काफी एडजस्ट कर लेता था हर चीज के लिए, पर जो मुझे मसूर की दाल थी वो बहुत ही बेहद मुझे खराब लगती थी। अब तो बहुत अच्छी लगती है, पर उस हाँ जमाने में मुझे मसूर की दाल बहुत गंदी लगती थी। तो जब भी मैं स्कूल जी से आता था और कहता था कि वो जब खाना देखता था मुझे, तो मसूर की दाल जब दिखाई देती थी तो मैं कहता मैं ही नहीं, वो जैसे गढ़वाली में बोलते हैं ना, मोगा माई बन जाते थे। तो मैं जो है, हाँ मैं मतलब कि मुझे नहीं खाना, ये तो मूंग मसूर की दाल है। दैट वॉज द ओनली दाल जिसके ऊपर मैं ऐसा रिएक्ट करता था। तो अम्मा बोलती थी कि फिर खारे खारे की चुगटी खा, ये मुझे अभी तक याद है कि वो खारे की चुगटी, राख राख की चुगटी, खारे की, जी फिर खारे की हाँ चुगटी खा, कि अगर नहीं खानी तो मत खा, हाँ खारे की चुगटी खा। तो दैट दैट आई रिमेम्बर, दैट गढ़वाली फ्रेज आई रिमेम्बर। जी तो क्योंकि हमारे पहाड़ी मॉम्स जो होती है स्पेसिफिकली चीजों के लिए फेमस होती है, तो कुछ टिपिकल स्लोगन वाले लैंग्वेज में कुछ बोलती है, जन मिन तेरू कपाल फोड़ दे, ज्यादा चकैत ना बढ़, और क्या बोलते हैं, खान छत्र खान नहीं तर जा मेरे दिमाग खा, कुछ या। कुछ शब्द हैं हमारे गाँव के जो बड़े फेमस हैं। तो और बहुत ये अच्छा लगा सर आपसे और जुड़। मुझे अच्छा जी अच्छी बात ये लगती है कि वो बिल्कुल जो टाइगर मॉम्स बोलते हैं ना, वो हमारी गढ़वाली मॉम्स भी टाइगर मॉम्स होती हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि मतलब ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंडल्ज ना करें बच्चों को कि वो जिससे बिगड़ जाएं। हाँ वही है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे जुड़कर, और आशा करती हूँ कि भविष्य में से फिर से मुलाकात होगी, और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू मनीष थैंक यू भाई राजीव, जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बताता फॉर द लवली क्वेश्चंस। जी। राखी सर, राखी इसीलिए जानी जाती है हमारे पूरे उत्तराखंड में, बड़ी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है राखी की अपनी, जब उसके छोटे छोटे एड वीडियोस आते हैं तो बस इसी तरह की बात करती है और पूरे उत्तराखंड का दर्शन करवा देती है। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज अगर हमारे सोनल डबराल भाई क्रिएटिविटी की दुनिया में हर जगह जाने जाते हैं, सब कोई आपको जानता है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है दुनिया का, बड़ा ब्रांड नहीं है जो आपको हायर नहीं करना चाहता होगा, आपने कई छोड़ भी दिए, कईयों के साथ काम कर भी रहे हैं,
आप इंडिविजुअल भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका वैसे कभी रिटायरमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है इसका कभी रिटायरमेंट होता नहीं है, ये थिंकिंग प्रोसेस तो बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप इतने सारे जो चीजें हैं, क्रिएटिविटी है, राइटिंग है, फिल्म मेकिंग है, एक्टिंग है, इनके अलावा भी करना चाहते हैं? क्रिएटिविटी के अलावा मुझे कोई चीज, मतलब क्रिएटिविटी में ही इतनी सारी फील्ड्स हैं, चाहे आप एडवर्टाइजिंग लीजिए या आर्ट लीजिए या फिल्म मेकिंग लीजिए या फिल्म राइटिंग लीजिए, तो क्रिएटिविटी में ही इतनी सारी चीजें हैं कि मैं क्रिएटिविटी से बाहर जाने का कभी भी नहीं सोचा मैंने कि, और अगर आप मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि मतलब अगर हो ऐसा क्रिएटिविटी के बाहर क्या आप करना चाहेंगे, तो मैं जो क्रिएटिविटी के बाहर जैसे जो करने में मुझे मजा आता है वो है टीचिंग में या मेंटोरिंग में, कि मतलब जो जूनियर्स हैं उनकी मेंटोरिंग कैसे की जाए, उनको लाइफ लेसन्स कैसे दिए जाएं, तो ये चीज मुझे पसंद है। दूसरी चीज पसंद है कि मतलब स्पीकिंग ऑन लाइफ लेसन, मोटिवेशनल टॉक्स, ये सब चीजें मुझे पसंद है। अगर क्रिएटिविटी से अगर आप मतलब इन दोनों चीजों में भी क्रिएटिविटी मैं लाने की कोशिश करूंगा या वो आई जाती है अपने आप, पर ये दो चीजें मुझे लगती हैं कि ये कि मेंटोरिंग टीचिंग, और दूसरी लगती है मुझे कि ये बोथ आर इन द सिमिलर फील्ड, की मतलब किसी को आप अपने जो लाइफ लेसन है मैं कैसे कैस्केट डाउन करूं कि लोगों को उससे कुछ फायदा हो। जैसे मैं जब काम भी करता था, जब मैं एजेंसीज में भी था, तो मेरा एक मानना था कि जब भी कोई मेरा जूनियर मेरे से मिलने आएगा, मुझे काम दिखाएगा कोई भी, तो मैं उसको काम पे तो अपनी टिप्पणी दूंगा ही, उसको गाइड करूंगा काम के ऊपर, उसके आइडियाज के ऊपर, या हम मिलके नया आइडिया बनाएंगे। पर एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि जब भी कोई मेरे कमरे में आए और मुझे काम दिखाए, जब वो मुझसे मिलके बाहर जाएगा, तो उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाना चाहिए, या तो कोई नई बात सीख के जाए, या कुछ इट माइट बी जस्ट अ स्टोरी दैट आई टेल हिम, जिसके थ्रू कोई लेसन मिल जाए उसे, या वो आए थोड़ा उदास पर जब जाए तो थोड़ा खुश होके जाए, तो कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन हो। तो ये मेरा मानना हमेशा से था, तो आई थिंक उससे रिलेटेड ये बात है कि मेंटोरिंग में मुझे अच्छा लगता है, और ये मोटिवेशन। मैं लोगों को ये बात जरूर बताना चाहता हूँ, खासकर जो यूथ इस समय आपको देख रहे हैं और आपकी बात जो देखेंगे, आपके 2-3 टेडएक्स टॉक हैं जो बहुत ही बढ़िया हैं और जो काफी लोगों को सुनने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है हर यूथ को सुनना चाहिए। एक IIT काशीपुर का है, एक किसी स्कूल का आपका है, कोई स्कूल में आपने दिया है टेडएक्स टॉक है, हिल स्प्रिंग का या जी हिल स्प्रिंग का। अगर कोई जो यूथ सुन रहे हैं इस समय, अगर बाद में आपको मौका मिले तो जरूर वो टेडएक्स टॉक सुनिएगा सर की, वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सिखाएंगी वो। जाते जाते एक प्रश्न आपसे और लेना चाहता हूं सर, कि पहाड़ का कोई युवा अगर दूसरा सोनाल डबराल बनना चाहता है, या आपके कदमों पर चलना चाहता है, फुटप्रिंट पर चलना चाहता है, और कुछ करना चाहता है क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में, तो वो क्या करे, उसके लिए आप क्या सीख देंगे अपनी तरफ से, प्लीज एक संदेश उनके लिए जरूर दीजिए। पहली तो बात यह है कि क्रिएटिविटी में कोई अगर फॉलो करना चाहता है, तो एक चीज की खुशी तो उस व्यक्ति को, उस लड़के को, उस लड़की को जरूर होनी चाहिए कि क्रिएटिविटी में, बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट क्रिएटिविटी, यू आर अ ब्लेसड पर्सन। तो पहले तो ये कि पैशन फॉर क्रिएटिविटी मेक्स यू ब्लेसड, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि लोग बाग अपने पैशन से जाते हैं, कि मुझे एक जुनून से जाते हैं, कि जुनून होता है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे फाइन आर्टिस्ट बनना है, मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे पोएट्री लिखनी है, मुझे नॉवेल लिखने हैं, तो एक पैशन होता है। तो एक तो ये चीज़ कि आप ब्लेसड फील करें, और ये मैं क्यों बोला कि ब्लेसड फील करें, क्योंकि क्रिएटिविटी में इस वो लाजमी है कि आप सेंसिटिव होंगे,
आपकी चीजें जब रिजेक्ट होंगे तो आपको बहुत पर्सनली बुरा लगेगा कि यार मेरी कहानी जो मैंने इतने दिल से लिखी है किसी को पसंद नहीं आई, या मेरी पोएट्री जो मैंने लिखी है किसी को पसंद नहीं आई, जो मैंने आर्ट बनाई है किसी को पसंद नहीं आई। तो उन सबको, इसीलिए मैंने बोला कि आप ब्लेसेड हैं कि उन सबको लड़ने के लिए आप तैयार रहें और मेहनत के लिए तैयार रहें, क्योंकि क्रिएटिविटी बिकॉज इट्स ऑल राइट ब्रेन, बिकॉज इट्स नॉट वन प्लस वन, इट्स नॉट दैट कि मैंने मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग कर ली तो मुझे जॉब पक्का मिल जाएगा। क्रिएटिविटी में वो नहीं होता है। क्रिएटिविटी में यू नो समटाइम्स यू माइट स्ट्राइक, समटाइम्स यू माइट नॉट, पर अगर वो मेहनत करने की क्षमता है कि अगर एक रिजेक्ट हुआ तो मैं फिर आऊँगा, दूसरा रिजेक्ट हुआ तो फिर आऊँगा, वो क्षमता लेके चलें और अपने अंदर ये लेके चलें कि मैं मेहनत करूँगा और मैं मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मेरे जो रिजेक्शन होंगे उनको मैं सहूंगा, और ये बात कभी नहीं भूलूंगा कि भगवान ने जो मुझे क्रिएटिविटी दी है उसके लिए मुझे भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मैं ब्लेसेड हूँ कि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं ब्लेसेड हूँ कि मैं पैशनेट हूँ क्रिएटिविटी के प्रति। और ये ब्लेसिंग्स को लेके आप बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होंगी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं और तब जाके कहीं ब्रेक थ्रू होते हैं क्रिएटिविटी में। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए, और हर तरह की मेहनत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यू माइट इवन सोसाइटी वाइज योर रिलेटिव्स योर फ्रेंड्स माइट से कि यार ये क्या कर रहा है तू यार, है कुछ और करना, इंजीनियर डॉक्टर बन जा, उसमें उसमें सिक्योरिटी है। ये सुनने के लिए तैयार रहिए, पर उनको भी फिर समझाने के लिए तैयार रहिए। तो ये काफी सारी चीजें जो है देखते हुए चलें, राइट, हर चीज के लिए तैयार रहें, हर चीज का जवाब ढूंढें और मेहनत से कभी ना कतराएं। एंड नेवर 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 फील डाउन, रिमेंबर गॉड नेवर गिव्स यू अ ब्लेसिंग और अ प्रॉब्लम विदाउट गिविंग यू द पावर टू सॉल्व इट, जस्ट गो फॉर इट। इसी बात पर मैं बस ये जरूर कहना चाहूंगा जाते जाते लोगों से कि जब आज के बाद आप टीवी ऑन करें और जो भी एडवर्टीजमेंट देखें, चाहे वो पॉन्ड्स का एड हो, चाहे फेविकॉल का मछली चिपकने का एड हो, या चाहे डेरी मिल्क का कैडबरी का कोई एड हो, या वॉल्सवैगन और वर्जिन मोबाइल और कोका कोला का कोई एड हो, तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि उस एड के पीछे अगर कोई चेहरा है तो वो हमारे उत्तराखंड का गर्व, हमारे सोनाल डबराल भाई भी हैं, वही हैं जो इतने बड़े एड और दुनिया को हंसाते, हर बच्चा याद रखता है आज। हालांकि वो आज जैसे आपने बताया कि चैनल बहुत हो गए तो बदलते रहते हैं, लेकिन तब भी आज वो सारे ऐड आज भी याद आते हैं और आज भी देखते हैं पूरा उत्तराखंड। आज के बाद इसलिए भी उन एड्स को जरूर देखेगा क्योंकि उसके पीछे अगर कोई ब्रेन है तो वो एक उत्तराखंडी का है, अगर कोई क्रिएटिविटी है तो एक उत्तराखंडी की है। थैंक यू भाई, आपने इतना समय दिया। पर आपसे रिक्वेस्ट एक और है कि ये तो एक फेज था इस इंटरव्यू का, आगे क्योंकि क्रिएटिविटी पर बहुत बात होनी है तो दोबारा कभी जरूर समय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, मैं आपने बहुत बहुत मुझे ये आने का मौका दिया, इतने सब उत्तराखंडी भाइयों से और बहनों से बात करने का मौका दिया, और बीइंग उत्तराखंडी, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग उत्तराखंडी, और हमारा जो देश है, देवभूमि है, उसकी उसके उसके प्रति बहुत 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 धन्यवाद। और एक और जो गाना मैंने लिखा था, एक और ऐड जो मैंने लिखा था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसकी मैं लाइनें सुना के आई विल से बाय, विच इज उत्तराखंडी और उत्तराखंड के प्रति हर आसमां से ऊंची है, हर आसमां से ऊंची है, समंदरों से गहरी, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर वन यारी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोस्तों, ये आपने देखा आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व थे, क्रिएटिविटी का नाम अगर कहीं पर आता है तो उस नाम के साथ सोनाल डबराल भी मिला होता है। अगर भारत में हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो उस इंडस्ट्री के बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको खड़ा किया है, जिन्होंने इसको बनाया है, और उस क्रिएटिविटी की इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा नाम हमारा अपना भी है, वो है सोनाल डबराल भाई। नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी हमेशा रहे। एड जब भी देखें उत्तराखंड के उस चेहरे को जरूर याद करें और गर्व महसूस करें कि इन सब के पीछे भी हमारे उत्तराखंडी कोई है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि 10 अक्टूबर को हमारे साथ एक बहुत बड़ा चेहरा, संगीत की दुनिया का एक सबसे बड़ा चेहरा,
हमारे साथ होंगी, शुभा मुद्गल जी। तो आप लोग रहिएगा हमारे साथ 10 अक्टूबर को ठीक इसी समय, वो भी हमारे साथ होंगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग रहेंगे और ये भी देखेंगे कि उत्तराखंड से उनका कनेक्शन क्या है। तो आज के लिए इतना ही। जय केदार, जय बद्री, जय उत्तराखंड, जय भारत।